आपको क्या लगता है कौन विनर हो सकता है? आई थिंक रश्मि, रश्मि को होना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छा खेल रही है तो रश्मि को ही विनर होना चाहिए। लेकिन अभी जितने कंटेस्टेंट पीछे से पहले खेले, करण कुंद्रा, फिर करण कुंद्रा, उनमें से करण कुंद्रा क्यों सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग वही लगता है अभी तक तो जितना हमने देखा है। अच्छी है उसका उसका खेलने का तरीका और बहुत सही खेल रहा है वो। हम करण कुंद्रा, क्योंकि मैम उनका खेलने का तरीका बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से स्मार्टली खेल रहे हैं अपने खेल को जैसे उन्होंने खेलना चाहिए, इस हिसाब से मुझे लगता है कि करण कुंद्रा विनर होंगे। कैसी लगती है उनका गेम प्लान और स्ट्रेटजी कैसी लगती है? मैम वो पहले से स्ट्रेटजी बना लेते हैं अपनी जिस हिसाब से उन्हें खेलना चाहिए, और मैम उनका जो तरीका है खेलने का वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैम मैं कह रहा हूँ करण कुंद्रा जीते। क्या लगता है आपको विनर कौन होने वाला? निशान भट्ट। कैसा लगता है उनका प्लेइंग स्टाइल? क्योंकि वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो बिग बॉस एक शो ही है पार्टिसिपेशन का, तो इसलिए इतना देखती नहीं हूँ बट मुझे ऐसा लगता है तेजस्वी। तेजस्वी क्यों? हाँ बहुत बोल्ड है और अपने ओपिनियन अच्छे तरीके से देती है। ओके करण मेरी नज़र में शमिता बन सकती है। शमिता क्यों? लगता है शायद वही जीतेगी, गेम अच्छा खेल रही है। और क्या अच्छी लगती है? हम पता आप बताओ ना, आपको अच्छी लगती है? सुंदर है, गेम अच्छा, गेम अच्छे से खेल रही है, टास्क अच्छे से खेलती है, हर चीज को अच्छे से समझ रही है बस। ओके आपको क्या लगता है कौन बन सकता है? मैं मेरे हिसाब से करण जीतेगा। करण क्यों? करण मेरा फेवरेट भी है और वो सीरियल वगैरह भी पहले आ चुका है, उसकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी है और लोग उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं, जितने मेरे फ्रेंड सारे उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा परफॉर्मेंस की बेस पे आप करण को क्या क्वालिटीज में देना चाहिए? क्या वो बहुत शांत स्वभाव का है, झगड़ा जल्दी नहीं करता है और उसने अंदर जाके रिलेशनशिप भी अपनी मेंटेन कर रखी है। मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रतीक बन सकते हैं, बिकॉज जो स्टार्टिंग से ये गेम जो है बहुत प्रॉपर खेल रहा है और काफ़ी सिंसियर है, हर चीज़ में टिका हुआ होता है, काफ़ी अच्छा है। हाँ यस। उमर रियाज। कौन? उमर रियाज। उमर रियाज क्यों? उमर रियाज लगता है, वैसे शमिता शेट्टी भी लगते हैं। शमिता शेट्टी कैसा लगता है? बस उनका गेम खेलने का तरीका। ओके और क्या क्वालिटीज लगती हैं आपको? काफ़ी स्ट्रांग प्लेयर है वो। ओके मेरे हिसाब से करण कुंद्रा, क्योंकि वो बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं एंड स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, उनको पता है कहाँ कैसे क्या करना है, किसको किस तरीके से हैंडल करना है सारी सिचुएशन वगैरह को, तो मेरे हिसाब से करण कुंद्रा। करण कुंद्रा। करण, करण कुंद्रा। गेम कैसा लगता है? करण का गेम इज़ द बेस्ट बिकॉज वो बहुत अच्छा खेलता है और मुझे ऐसा लगता है कि उसका दिमाग बहुत अच्छा चलता है जो भी है। करण ही। क्यों? वो बहुत अच्छा खेलते हैं। बात ये नहीं है, उसमें ना ये है कि वो लोगों को दिखाकर नहीं खेलता कि उसको क्या खेलना है, उसको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, उसने पहले ही बना चुका होता है और वो फिर खेलता है वो चीज़ को, बस यही अच्छा लगता है। तेजस्वी या करण? तेजस्वी। करण, करण वैसे मिलके चलता है और तेजस्वी अपने बारे में सोचती है, ये है। अच्छा गेम वगैरह कैसे लगता है उनका? गेम सही है क्योंकि सबसे मिलके खेलता है, किसी से लड़ता नहीं, अगर किसी से लड़ाई भी हो जाती है ना तो बाद में जाके वो अपना क्लियरिफिकेशन देके उससे बना लेता है, मगर तेजस्वी ऐसा नहीं करती। तो आपको ज़्यादा डिजर्विंग करण? मुझे करण ही लगता है। आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है इस लेवल पे? मेरे को करण कुंद्रा ही लगता है कि जीत सकता है, क्योंकि करण कुंद्रा मिला के चल रहा है, वो तेजस्वी का गेम नहीं समझ रहा, लेकिन तेजस्वी जो है वो करण कुंद्रा के पीछे चल रही है, इसलिए वो अपना गेम भी बेकार कर रही है। अभी इतना गेस नहीं कर सकते, आई डोंट नो, क्योंकि अभी इतना इतने सारे अंदाजा लगाए और क्या लगता है? तेजो। तेजस्वी क्योंकि वो अच्छा खेलती है। और क्या क्वालिटी जो आपको अच्छी लगती है? वो रियलिटी खेलती है, काफी लॉयल खेलती है, जैसी है वैसी दिखाती है अपने आप को, फेक रिलेशन नहीं, फेक नहीं है, बट वो अच्छा खेलती है। सेम चीज, फेक रिलेशन नहीं है। आपके हिसाब से क्या क्वालिटीज है? आप अपने यही कि फेक रिलेशन नहीं, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप करती है, दोस्त दोस्त है, देन गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। कौन जीत सकता है? तेजस्वी। तेजस्वी क्यों? बिकॉज वो बहुत
बहुत ओपनली और बहुत अच्छा खेलती है, हर चीज़ को बहुत अच्छे सोच समझ के खेलती है, और करण का भी सपोर्ट करती है, हर चीज़ हर सबके लिए सोचती है, हर जगह सही सही के लिए बोलती है बहुत ज़्यादा, और अब सबका स्टैंड करती है, अपने अपनी बातें रखती है, अपना पॉइंट रखती है हर चीज़ में, इसलिए अच्छी लगती है। क्या लगता है कौन विनर बन सकता है? प्रतीक। प्रतीक क्यों? प्रतीक बेस्ट खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। अच्छा, और क्या क्वालिटीज हैं जो अच्छी लगती है प्रतीक? मुझे प्रतीक और रश्मि अच्छी लगती है, दोनों अपने स्टैंड लेते हैं हर चीज का और अच्छा खेलते हैं। आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है अभी? उमर जीत सकता है, बिकॉज वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और अच्छे से खेल रहा है, क्लीन गेम खेल रहा है, और जो होता है सीधा मुंह पे बोलता है। और उसके अलावा कोई और है? उसके अलावा करण कुंद्रा मे बी, क्योंकि वो भी अच्छा खेलता है, बट कभी कभी मैनिपुलेट हो जाता है, बट ठीक है, अच्छा खेलता है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं सारे एपिसोड देखा हूँ उनमें तो मुझे 101% मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि करण कुंडा ही जीतेगा, मेरे उम्मीद से 101% है। बाकी ईश्वर ने जिसके ऊपर चाहा तो एक अलग प्रतिभा जो करण कुंडा में है वो किसी और में मुझे नहीं दिख रहा है। मतलब आई वॉन्ट तेजस्वी जीते, बट मुझे लगता है शमिता भी पोटेंशियल रखती है। शमिता ओवर तेजस्वी। सब शमिता थोड़ा थिंक करके चीज़ों को एनालाइज करती है एंड अकॉर्डिंगली एक्शन लेती है, एंड तेजस्वी दो उसका नेचर थोड़ा फन लविंग है, बट वो ना काफ़ी हाइपर जल्दी हो जाती है, तो अकॉर्डिंगली शमिता सोच समझ के डिसीजन लेती है, तो रादर देन दैट आई वुड प्रेफर शमिता। आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है? अपना फेवरेट बताओ। तेजस्वी। हाँ, तेजस्वी पकड़ो, क्योंकि वो काफ़ी फन लविंग है और बहुत हैप्पी रखती है, बट वो कभी कभी हाइपर हो जाती है, तो वो कभी कभी अपना गेम लो कर देती है, तो तेजस्वी के अलावा करण कुंद्रा, क्योंकि उसकी गेम बहुत अच्छी है, बट थोड़ी सी तेजस्वी की वजह से खराब हो रही है, बाकी अदरवाइज वो भी जीत सकते हैं। स्टार्टिंग में तो वो काफी अच्छा था। हाँ।